Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Modern Indian History Lecture Series. And this video lecture is about the Social Reformers Part 2, which is lecture number 25th. We have already completed first part of Social Reformers in our previous video lecture. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. My Instagram ID is Shreyas Badiye, the Peace Lover. If you want Modern Indian History playlist, then click this link. And if you want Indian Polity playlist, then click this link. For part 1 of my lecture, that is on social reformers, then click here. तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ सोशल रिफॉर्मर्स को स्टडी किया था, सो अब आगे के और जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनको स्टडी करने वाले. जैसे कि यहाँ पे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जो है उनके यहाँ पे मैंने पिक्चर्स पेस्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं इन सबको. इन सब से आप अभी फैमिलियर हो जाएंगे. आपको अगर इनके नाम भी नहीं पता है, सो ये लेक्चर खत्म होने तक आप इन सब से फैमिलियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है. सो सोशल रिफॉर्मर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से. एक क्वेश्चन तो होता ही है हर एग्जाम में, अगर देखेंगे तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो होना ही चाहिए. 80 to 90% चांसेस है टॉपिक से क्वेश्चन आने के लिए, इसलिए इसको अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी. सो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ सोशल रिफॉर्मर स्टडी किए थे. अब आगे जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है प्रार्थना समाज. सो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा और वो देखना चाहते हो तो वो पहले उसे देख ले, उसके बाद इसे कंटिन्यू करें ताकि आपको समझने में कंटिन्यूटी बनी रहे. सो इस वीडियो लेक्चर में हम जिनको स्टडी करने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले, वो सबसे पहले प्रार्थना समाज, उसके बाद हम हेनरी विवियन डेरेजियो को और उनकी यंग बंगाल मूवमेंट को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर और फिर हम बाल शास्त्री जांबेकर को स्टडी करेंगे. हम परमहंस मंडली जो है, परमहंस मंडली कहा जाता है उनको स्टडी करेंगे. हम ज्योतिबा फुले और उनके सत्यशोधक समाज को स्टडी करेंगे. हम गोपाल हरि देशमुख को स्टडी करेंगे जिनको लोकहितवादी कहा जाता है, और हम गोपाल गणेश आगरकर को भी स्टडी करेंगे. सो इस तरह से हम यहाँ पे लगभग 8 टॉपिक्स हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. सो हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज प्रार्थना समाज. सो जो प्रार्थना समाज है उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1867 में हुई थी. आत्माराम पांडुरंग जो थे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी. ही फाउंडेड प्रार्थना समाज इन बॉम्बे. सो नाम है आत्माराम पांडुरंग और वो बनते हैं फाउंडर जो प्रार्थना समाज है उसके बॉम्बे में. और उन्होंने जो हेल्प ली थी वो केशव चंद्र सेन की हेल्प ली थी यहाँ पे. अब आपको केशव चंद्र सेन कौन है ये पता है. जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उनको जरूर पता है केशव चंद्र सेन कौन है, तो आपको प्रार्थना समाज समझने में बहुत आसानी जाएगी. सो अब देखिए, केशव चंद्र सेन आपको पता है, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कब केशव चंद्र सेन जो थे उनके ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता था. ओके, उसके बाद देखेंगे तो एम जी रानड़े जो महादेव गोविंद रानड़े थे उन्होंने भी ये समाज को ज्वाइन किया था इन द ईयर 1870. सो एम जी रानड़े ऑल्सो ज्वाइन दिस प्रार्थना समाज. ये प्रार्थना समाज जब से एम जी रानड़े ज्वाइन हुए तब से इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई. एमजी रानड़े जो थे वो महाराष्ट्र के एक काफी फेमस एक लीडर थे और उनका जो कमांड था वो बहुत अच्छा था. सो हर चीज में, नेशनल मूवमेंट से लेके हर चीज में, तो यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छे से इसको चलाया था. सो यहाँ पे पॉपुलैरिटी उसके बाद और ज्यादा मिल गई थी प्रार्थना समाज को. उसके बाद महादेव गोविंद रानड़े जब से एमजी रानड़े तब से ऑल इंडिया कैरेक्टर भी मिला था इस प्रार्थना समाज को. पहले महाराष्ट्र तक सीमित रहा करता था, बॉम्बे तक सीमित रहा करता था. उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाद में ये पूरे इंडिया में एक तरह से पॉपुलर होने लगा. और भी कुछ अगर हम बात, और भी कोई लीडर्स थे जो इस जो प्रार्थना समाज थे इसको ज्वाइन करते हैं, और अगर आप देखोगे तो वो लीडर्स थे आर जी भंडारकर ऑल्सो ज्वाइन दिस समाज, एंड लेटर ऑन द एन जी चंदावरकर जो थे उन्होंने भी ज्वाइन किया था. तो भंडारकर और चंदावरकर जो ये भी एक बहुत फेमस लीडर्स है महाराष्ट्र के. और ये जो आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये है आत्माराम पांडुरंग जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी. प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी ये आपने देखा. प्रार्थना समाज में एम जी रानड़े जुड़े हुए थे ये भी आपने देखा. आपने ये भी देखा कि भंडारकर और चंदावरकर भी जुड़े हुए थे. प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो बॉम्बे में की गई थी इन द ईयर 1867, ये भी आपने देखा. तो केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई थी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. सो अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि प्रार्थना समाज था किस चीज़ के लिए. अब ये सब आपने देख लिया, आप देखते हैं किस चीज़ के लिए. प्रार्थना समाज जो है वो भक्ति कल्ट से जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र के. देखिए भक्तिज्म और सूफिज्म ऐसी दो चीज़ें चली थी. अब देखिए जो भी अंधविश्वास है उसको खत्म करके
एक नई दिशा के साथ भगवान को या फिर ईश्वर की प्रार्थना करना, ऐसा एक भक्ति कल्ट आया था। सो ये आप मिडिवल इंडिया में पढ़ते हो, तो मिडिवल जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको भक्तिज्म सूफिज्म ये सब बताऊंगा। सो अभी इतना याद रखिए कि भक्ति कल्ट जो था महाराष्ट्र का, जिसमें देखेंगे तो कुछ सेंट थे, जैसे सेंट तुकाराम, संत नामदेव, ये सब तुकाराम नामदेव जो थे ये पूरे भक्ति कल्ट से जुड़े हुए थे। सो ये लोग जो थे, ये महाराष्ट्र में जो चल रहा था उसी से रिलेटेड प्रार्थना सभा जो है ये एजुकेशन और पर्सुएशन पे बिलीव करता था, ये हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पे अपना बिलीफ नहीं रखता था। सो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी इन लोगों में नहीं थी, एक कट्टर जो भावना होती है रिलीजन को लेके वो इनमें नहीं थी, जबकि ये लोग जो थे ये एजुकेट करना चाहते थे मासेस को हिंदुइज्म के। और अगर आप देखोगे तो इनका ये जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है ये ज़्यादातर इसी इसमें रहा है ना, एजुकेशन में ज़्यादा रहा है। उसके साथ साथ पर्सुएशन के थ्रू यानी रीजनिंग के थ्रू, कोई भी चीज़ पे अंधविश्वास नहीं रखना है, आपको चीज़ों के पीछे का रीज़न जानना है और उसके बाद ही आपको उस पर विश्वास करना है, ऐसा पर्सुएशन होता है और उसके थ्रू ये समाज चलता था। अब यहाँ पे इनका जो एजेंडा था ये 4 पॉइंट एजेंडा हुआ करता था। जो 4 पॉइंट एजेंडा था उसमें सबसे पहला ये है कि डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह डिसअप्रूव कर दिया था, कास्ट सिस्टम को ये लोग मानते नहीं थे। दूसरी बात यह है कि वुमेन एजुकेशन पर अपना बिलीफ रखते थे। तीसरी बात है कि विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे, जो विडो होगी उनके रीमैरिज, उनका मैरिज हो उसके लिए सपोर्ट होता था इनका। उसके साथ साथ जो मैरिज की एज है इसको बढ़ाने की डिमांड करते थे, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल की बढ़ाई जाए, फीमेल की और मेल की दोनों की बढ़ाई जाए। तो चाइल्ड मैरिज जो है ये नहीं होंगे अगर हम इस तरह से उनकी जो एज है ये बढ़ाएंगे तो। सो मैरिज की एज बढ़ानी चाहिए ऐसा भी इनका एक तरफ से देखा गया, तो ये इनका कहना था, ये इनका मानना था। सो ये सब चीजें थी। और ये जो थे आत्माराम पांडुरंग ये इसके लिए काम कर रहे थे, बहुत एक्टिव थे। उसके साथ साथ और भी कुछ लीडर महाराष्ट्र से, जैसे धोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री, ये लोग भी जुड़ गए थे है ना सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में रानडे के साथ। अब जैसे कि आप देखोगे कि एम एच जी रानडे जो थे ये नेशनल लीडर कहलाते हैं महाराष्ट्र से। अब ये जो नेशनल लीडर थे उसके साथ साथ आप ये जान सकते हैं कि वो जब आ गए तो काफी फेमस हो चुका था और काफी लोग इसको आके ज्वाइन कर रहे थे। सो और भी लीडर जैसे कि विष्णु शास्त्री और धोंडो केशव कर्वे, ये सब जो लोग हैं ये महाराष्ट्र के लीडर से, ये लोगों ने इसको ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद देखोगे तो कर्वे और रानडे ने मिलके एक द विडो रीमैरिज मूवमेंट चलाई थी। विडो रीमैरिज जो मूवमेंट चलाई गई थी वो विडोज के डेवलपमेंट के लिए थी एक तरफ से। अब विडोज का डेवलपमेंट होगा तो विडो जो है वो खुद को खुद सपोर्ट कर पाएगी, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ये चीज का एक सपोर्ट था, ये चीज को वो डेवलप करना चाहते थे विडोज में। और विडोज के लिए उन्होंने एक विडोज होम एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन बनाया था, विडोज होम एसोसिएशन। विडोज होम एसोसिएशन जो था वो कर्वे और रानडे ने बनाया था। और ये क्या करते थे, तो ये यहाँ पे वुमेन को विडोज जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते थे और ट्रेनिंग देते थे। अब ट्रेनिंग अगर मिल गई, उनको एजुकेशन मिल गया, तो वो खुद अपना काम करके खुद अपना गुजारा कर सकती थी, उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने ये मूवमेंट चलाने का सोचा था। तो ये एक और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलती है जो महाराष्ट्र की थी और इसको कहा जाता है प्रार्थना समाज, जो चलाई थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है इनसे आप अभी फैमिलियर हो चुके हो, इनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद हम सेकेंड जो है उनको पढ़ते हैं, दैट इज यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो अभी बंगाल के तरफ आते हैं महाराष्ट्र से हम। सो लेट 1820 से लेके 1830 तक एक रेडिकल और एक इंटेलेक्चुअल ट्रेंड चला था बंगाल में। रेडिकल यानी ये लोग पूरी तरह से जो सोचते थे, ये पूरी तरह अपना जो बिलीफ रखते थे ये साइंटिफिक चीज़ों पे रखते थे, ना कि अंधविश्वास पे। और इसी को कहा जाता है रेडिकल। आप अगर साइंटिफिकली हर चीज़ को देखते हो, अगर आप अंधविश्वास नहीं रखते हो तो आप रेडिकल बनते हो। इंटेलेक्चुअल यानी हर चीज़ के लिए आपका एक लेवल है सोचने का, बहुत अच्छे तरीके से आप सोचते हो, आप अंधविश्वास नहीं करते हो तो आप इंटेलेक्चुअल बनते हो, आप बहुत दूर का सोच सकते हो। ऐसा एक यूथ के बीच में ट्रेंड चला था बंगाल में, ये जो ट्रेंड चला था इसी को यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं। तो ये यूथ जो था वो इस तरह से सोचने लगा था। अब ये जब सोचने लगा था तो ये जो मूवमेंट चल रही थी यंग बंगाल मूवमेंट, उसके लीडर जो थे उनका नाम था हेनरी विवियन डेरेजियो। ये बहुत कम उम्र तक जिए, ये 1809 में इनका बर्थ होता है और 1831 में इनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी मुझे कोई पिक्चर नहीं मिली गूगल पे, सो मैंने ये पिक्चर इनकी रखी हुई है। यहाँ पे देखिए, ये 500 का टिकट है भारत सरकार का, इस पे हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो लिखा हुआ है। हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो जो है ये लीडर रहे हैं बंगाल यंग बंगाल मूवमेंट के। उन्होंने, अब ये कौन थे, तो ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाया करते थे। 1626 से 31 तक ये पढ़ाए, जब तक ये जी सके, उसके बाद ये किसी कारणवश इनकी डेथ हो गई और ये मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा।
और वैसे भी अगर देखा गया तो ये काफ़ी यंग एज में ही सब अपना काम शुरू कर चुके थे। अब अगर आप देखोगे तो ही वॉज अ लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट के अगर लीडर आपको पूछे जाते हैं सो इज हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो जो थे ये कौन थे, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि ब्रिटिश और इंडियन जो है उनके उनके जो फादर है वो ब्रिटिश रहेंगे और जो मदर है वो इंडियन रहेगी। इस तरह से वो इंसान जो है जो जन्म होता है जिसका इन दोनों से उसको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो यानी ब्रिटिश और इंडियन यानी भारतीय, इन दोनों से आया हुआ जो रहेगा न्यू बॉर्न बेबी उनको एंग्लो, वो सब एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। सो यहाँ पे आपको अभी पता चल चुका है कि ये एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट चलाई थी। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चला था उससे काफ़ी इंस्पायर थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर देखोगे तो आप देखते हो कि वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रीडम की बातें की जाती थी। लिबर्टी यानी आपको स्वतंत्रता होगी, इक्वालिटी यानी समानता होगी इस पूरे समाज में, और फ्रीडम यानी आपको फिर से यहाँ पे आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ये चीज़ों से बहुत इंस्पायर थे, इसलिए वो लोगों को भी यही कहते थे। सो वो लोगों को यही कहते थे कि आप फ्रीली सोचो, आप किसी के बहकावे में आके मत सोचो, रैशनली सोचो चीजों को, साइंटिफिकली देखो, अंधविश्वास मत करो, अथॉरिटी को क्वेश्चन करो, अथॉरिटी को पूछो कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। शांत नहीं रहना चाहिए, हमने हर बार क्वेश्चन करना चाहिए अथॉरिटी को। लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए जियो। इन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस है जो कि गलत है, जो समाज में चल रहे हैं, जो भी रीति रिवाज चल रहे हैं जो सही नहीं है, उनको आप फॉलो मत करो, उनको अपोज करते थे। इस तरह से ये एक तरह से बहुत रेडिकल थे। अब डेरेजियंस जो थे ये वुमेन के राइट को भी सपोर्ट करते थे और एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। जैसे कि हमारी जो समाज व्यवस्था थी पहले उसमें वुमेन एजुकेशन को जगह नहीं दी गई थी, बट डेरोजियंस जो थे, डेरोजियन या फिर आप देखोगे कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे वो सब इसको सपोर्ट करते थे वुमेन एजुकेशन को। सो डेरेजियन ने भी यही किया। डेरेजियो जो थे वो फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट बने मॉडर्न इंडिया के, ये तो बात है ही। जो कविताएं लिखते थे और जिस तरह से वो अपने देशभक्ति पे लिखते थे, तो ये पहले जो थे ये नेशनलिस्ट पोएट बने मॉडर्न इंडिया के। और उनको एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ, उनको रिमूव कर दिया गया हिंदू कॉलेज से 1831 में ही वॉज रिमूव बिकॉज ऑफ हिज रेडिकलिज्म। इतने रेडिकल थे कि उनको यहाँ से निकाल दिया गया। वो बोले कि आप बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हो, और इतना रेडिकल होना अभी सोसाइटी के लिए खतरा है क्योंकि अब लोग इसका अपोज कर रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को हम हमारे कॉलेज में एज अ टीचर नहीं रख सकते, तो यू शुड लीव द कॉलेज। और यहाँ पे उनको निकाल दिया गया। जो डेरोजियंस थे यानी जो डेरोजियो के फॉलोअर्स थे और पूरे जो डेरोजियन थे, उन लोगों ने राजा राम मोहन रॉय की जो आइडियाज़ थी, जो उनके ट्रेडिशन थे, वो पूरी तरह से लोगों तक लाए। जैसे कि देखेंगे तो एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ये जितनी भी राजा राम मोहन रॉय की आइडियाज़ थी वो उन्होंने प्रमोट की आगे। राजा राम मोहन रॉय नहीं थे फिर भी, इस वक्त राजा राम मोहन रॉय थे, फिर भी इन्होंने काफ़ी सारी राजा राम मोहन रॉय की जो आइडियाज़ है उसको आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेरोजियन जो थे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक एजुकेशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें हमने राजा राम मोहन रॉय के जो टॉपिक था उसमें पढ़ी थी, वो पूरी चीज़ें इन्होंने कैरी फॉरवर्ड की थी। सो इस तरह से ये जो थे ये एक मूवमेंट चला रहे थे। अब ये इनकी जो मूवमेंट थी वो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मूवमेंट थोड़ी सी फेल्योर रही। फेल इसीलिए हो गई क्योंकि ये जो थे, ऐसा माना जाता है कि इन लोगों का जो नॉलेज था वो बुकिश नॉलेज था, इन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, ये लोगों के साथ लिंक नहीं बना पाए आखिरी तक। इन्होंने मेन इश्यूज उठाए नहीं, ये जो बुकिश चीज़ें उसी पे इश्यूज उठाया करते थे ऐसा माना गया। इन लोगों ने कभी पीजेंट्स के इशू नहीं उठाए, तो इस तरह से ये लोगों की जो मूवमेंट थी सक्सेसफुल नहीं रही, लोगों के साथ ये लिंक नहीं बना पाए। सो इस तरह से इन्होंने मूवमेंट चलाई थी जो कि बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी, जो बंगाल में चलाई गई थी और इसको कहा जाता है यंग बंगाल मूवमेंट। तो यहाँ पे जो सेकेंड यहाँ पे जो है इनसे आप फैमिलियर हो चुके हैं, ये है हेनरी लुइस विवेन डेरेजियो। सो उसके बाद हम आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनको अभी हम स्टडी करने वाले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक अगर देखोगे तो ये मिक्सचर थे इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स की। इनकी जो आइडियाज थी वो मिक्स थी, इंडियन थॉट्स भी इनके पास थे और वेस्टर्न थॉट्स भी थे। ये इनकी तस्वीर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगर देखोगे तो वो प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के। संस्कृत कॉलेज किसने एस्टैब्लिश किया था, हु फाउंडेड संस्कृत कॉलेज, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इन 1853 ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, या संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। उसके बाद देखोगे तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं जो भी प्रिस्टली मोनोपोली है, जो
स्क्रिप्चरल आपका नॉलेज होता है, जैसे कि चीजें संस्कृत में लिखी जाती है, इसलिए एक जो क्लास था प्रिस्टली क्लास, जो पंडित लोग थे वही संस्कृत का नॉलेज जिनको था, वही लोग वो ग्रंथ पढ़ पाते थे और हमको उसके बारे में बता सकते थे सबको, है ना। तो सबको वो वही प्रिस्टली क्लास बता सकते थे, तो प्रिस्टली क्लास ही क्यों बताएगा। तो प्रिस्टली क्लास जो है ये काफी बार लोगों को गलत चीजें बता के काफी गलत चीजें भी करता था हमारे सोसाइटी में, तो ये सब चीजें खत्म करने का इन्होंने सोचा था। इन्होंने जो संस्कृत कॉलेज था ये ओपन कर दिया था नॉन ब्राह्मिन्स के लिए, तो नॉन ब्राह्मिन्स के लिए संस्कृत कॉलेज ओपन कर दिया और वो इन्होंने एडमिशन देना शुरू किया जो नॉन ब्राह्मिन्स थे उनको, और इन्होंने सभी लोगों को संस्कृत सिखाना शुरू किया, जिससे अभी एक डोमिनेंट क्लास जो था ये अफेक्ट हमको नहीं कर पाएगा उतना, इसीलिए इन्होंने ये सब किया था यहाँ पे। सो ये किया गया, और अगर देखोगे तो यहाँ पे वेस्टर्न थॉट लाए गए थे संस्कृत कॉलेज में, यानी इंडियन थॉट्स ही नहीं तो बाहर के जो वेस्टर्न थॉट्स है उनको भी यहाँ पे लाया गया था संस्कृत कॉलेज में। विद्यासागर ने मूवमेंट्स भी शुरू की थी, जो की थी इन सपोर्ट ऑफ विडो रिमैरिज। विडो रिमैरिज जो मूवमेंट चलाई थी, इसी कारणवश अगर देखा गया तो विडो रिमैरिज लीगलाइज हुआ था। विडो रिमैरिज जो लीगलाइज हुआ था वो कौन से ईयर में लीगलाइज हुआ था ये आपको लिखना है। मैंने रिवोल्ट के टॉपिक में आपके साथ वो ईयर डिस्कस किया था, आपको वो याद रहना चाहिए, तो आपको वो ईयर लिखना है जब विडो रिमैरिज लीगलाइज हुआ था। ओके, तो विडो रिमैरिज एक्ट एक पास किया था ब्रिटिश ने, और तब से विडो रिमैरिज करना ये लीगल था। सो इनके ही एफर्ट्स थे जिससे ये सब हुआ था। इसके साथ साथ ही फॉट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। अब चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने फाइट की थी और पॉलीगैमी के अगेंस्ट। पॉलीगैमी क्या होता है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, एक हस्बैंड होता है वो एक से ज्यादा वाइफ रख सकता है, इसको कहा जाता है पॉलीगैमी। तो इसके अगेंस्ट भी इन्होंने अपना फाइट दिया था। ही वर्क फॉर वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के लिए भी इन्होंने काम किए थे। वो इंस्पेक्टर थे स्कूल में, ये इंस्पेक्टर थे। स्कूल इंस्पेक्टर का ये काम होता है कि स्कूल्स में जाके इंस्पेक्शन करना कि एजुकेशन सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं। ही एज ए इंस्पेक्टर हेल्प टू एस्टेब्लिश 35 गर्ल्स स्कूल। उन्होंने टोटल 35 गर्ल्स की स्कूल्स शुरू की थी और खुद के खर्चे पे, उन्होंने कहीं से पैसा नहीं लेके खुद ही एस्टेब्लिश की थी 35 गर्ल्स स्कूल। तो 35 गर्ल्स स्कूल यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई। वो सेक्रेटरी थे बेथ्यून स्कूल के, एक बेथ्यून स्कूल थी जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1849 में, और ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये बेथ्यून स्कूल के सेक्रेटरी भी रहे हैं जो कि कलकत्ता में थी। सो ये चीज़ें होने के बाद वो हायर एजुकेशन भी देना चाहते थे वुमेन को, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नहीं तो वो वुमेन का जो एजुकेशन था वो हायर एजुकेशन तक पहुंचाने को उन्होंने सपोर्ट किया था। सो इस तरह से उन्होंने काफी सारे काम किए हैं एज अ सोशल रिफॉर्मर, और ये बहुत ही एक इफेक्टिव सोशल रिफॉर्मर्स दिखते हैं हमारे हिस्ट्री में, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो यहाँ पे एक और जो फोटो है, इससे आप पिक्चर है, इससे आप अभी फैमिलियर हो चुके हैं, इनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो फर्स्ट थे उनका नाम है आत्माराम पांडुरंग, जो यहाँ पे मैंने उनकी फ़ोटो नहीं लगाई है, ये जो है ये हेनरी विवियन डेरेजियो, और थर्ड जो है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब हम आगे जाने वाले हैं, वो रहेंगे बाल शास्त्री जांबेकर की तरफ। बाल शास्त्री जांबेकर जो थे ये सोशल रिफॉर्म जर्नलिज्म के थ्रू लाना चाहते थे। ये इन्होंने जर्नलिज्म के थ्रू लाया था, यानी ये जर्नलिस्ट थे। तो जर्नलिज्म के थ्रू ये बॉम्बे में एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन्होंने शुरू की थी। उन्होंने भी जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी है इसको उन्होंने अटैक किया था, तो इसके ही खिलाफ इन्होंने अपना रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया था ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। देखिए उस वक्त सिचुएशन ये थी कि जो हमारा कास्ट सिस्टम था वो काफ़ी रिजिड हो चुका था। सो इसमें अगर देखोगे तो कास्ट सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 वर्णाज थे, जैसे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, उसके नीचे क्षत्रिय होते थे, उसके नीचे वैश्य होते थे, और उसके नीचे शूद्र होते थे। तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो सबसे ऊपर जो ब्राह्मण थे ये ब्राह्मण बाकी सबको डोमिनेट करते थे, सभी क्लासेस को। सो इस कारणवश क्या होता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बन चुका था यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई थी। सो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी ख़त्म करना था, तो ये सब चीज़ों के लिए ये सोशल रिफॉर्मर्स लड़ रहे थे। इन 1832 में उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम था दर्पण। दर्पण नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया था। ये सब फैक्ट्स है, ये अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने स्टार्ट किया था और किसने नहीं। तो जो दर्पण था ये स्टार्ट जिन्होंने किया था उनका नाम था बाल शास्त्री जांबेकर। ओके, सो उसके साथ साथ उन्होंने विडो रिमैरिज जो है उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपने लाइफ को लेके एक साइंटिफिक अप्रोच रखिए, अंधविश्वास पे आप
अंधविश्वास मत कीजिए किसी भी चीज पे, आप सोच समझ के कोई भी चीज को मानिए, साइंटिफिक तरीका निकालिए उसको जानने का। और कभी भी आपको अगर पूछा गया थे हु इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, तो फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है बाल शास्त्री जांभेकर। ये उनकी तस्वीर है जो कि है बाल शास्त्री जांभेकर। इन 1840 ही स्टार्टेड दिग्दर्शन। अब ये मराठी जर्नलिज्म के फादर कहे जाते हैं, तो काफ़ी सारे जर्नलिज्म में इन्होंने काम किए। इन्होंने जैसे कि आप देखोगे, इन्होंने दर्पण शुरू किया था, उसी के साथ साथ इन्होंने दिग्दर्शन शुरू किया। दिग्दर्शन जो था वो पब्लिश करता था आर्टिकल्स ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे आर्टिकल जो है ये पब्लिश किए जाते थे। यानी वही है कि अंधविश्वास नहीं करना है, चीज़ों को साइंटिफिकली देखना है, तो उस पर ये आर्टिकल्स भी पब्लिश करते थे। सो इस तरह से इन्होंने काफ़ी सारे काम किए बाल शास्त्री जांभेकर ने। आगे हम और देखते हैं इनके बारे में। जांभेकर ने एक बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी भी ओपन की थी। तो ये लाइब्रेरी थी जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ के पढ़ सकते थे और वो एजुकेट कर सकते थे खुद को अवेयर कर सकते थे, खुद को साइंटिफिक अप्रोच ला सकते थे खुद के लाइफ में पढ़ के। उसके साथ साथ उन्होंने नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी भी बनाई थी। नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी में जितने भी लोकल लोग हैं उनका इंप्रूवमेंट किया जाता था और ये सोसाइटी उसके लिए काम करती थी। वो अगर देखेंगे तो एल्फिंस्टन कॉलेज है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एल्फिंस्टन कॉलेज कहाँ पे है, काफी फेमस कॉलेज है। उसके ये पहले प्रोफेसर रहे हिंदी के। एल्फिंस्टन कॉलेज में जब हिंदी लैंग्वेज शुरू हुई तो उसके सबसे पहले प्रोफेसर जो बने वो थे बाल शास्त्री जांभेकर। बाल शास्त्री जांभेकर के बाद उसको आपको ये भी बता दो, एक कोलाबा ऑब्जर्वेटरी थी। ओके, सो कोलाबा ऑब्जर्वेटरी जो है उसके ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ओके, सो कोलाबा करके जो जगह है वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी है, और ऑब्जर्वेटरी में अगर आप देखोगे तो उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं जिनका नाम है बाल शास्त्री जांभेकर। ओके, ऑब्जर्वेटरी यानी जैसे कि आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल जो चीज़ों पे काम करते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक इक्विपमेंट्स पे जो चीज़ें जो काम करते हैं उनको ऑब्जर्वेटरीज कहा जाता है। तो उसके डायरेक्टर भी रहे बाल शास्त्री जांभेकर। तो इस तरह बाल शास्त्री जांभेकर जो थे इनका भी काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में। सो यहाँ जो थर्ड आपको पिक्चर दिख रहा है ये भी अभी इनसे भी आप अभी फैमिलियर हो चुके, इनका नाम है बाल शास्त्री जांभेकर। सो ये आत्माराम पांडुरंग, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ये बाल शास्त्री जांभेकर। अब हम इनसे फैमिलियर हो जाते हैं। सो अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका नाम है जैसे कि ज्योतिबा फुले। सो ज्योतिबा फुले के तरफ जाने से पहले मैं आपको परमहंस मंडली बता देता हूँ। तो परमहंस मंडली अभी थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे ज्योतिबा फुले के तरफ। सो परमहंस मंडली जो है इसकी स्थापना की गई थी इन 1849 महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना करने वाले जो थे वो थे दादोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम। इनने और काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलके इसकी स्थापना की थी परमहंस मंडली की। तो हम अभी हम पढ़ रहे हैं परमहंस मंडली। इनके बिलीफ क्या थे, कौन सी चीज़ों को मानते थे? ये मोनोथिज्म को मानते थे, यानी एक ही भगवान है इस पे विश्वास रखते थे। वो ये कहते थे कि जो असली हमारा जो धर्म है, रियल हमारा जो रीजन है, वो लव और मॉरल कंडक्ट के ऊपर है। ओके, सो आपने सबके लिए अभी एक चीज़ देखेंगे तो आपने नफरत नहीं करना चाहिए किसी से, सबके लिए आपके अंदर प्यार होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी हो, समाज में आपको सबके प्रति एक अच्छी भावना होनी चाहिए। और अगर देखोगे तो आप मॉरल चीज़ों पर आप चलने चाहिए, है ना। सो ये सब चीज़ें थी। उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ थॉट जो था ये भी यहाँ पे देते थे, यानी आप सबको सोचने का अधिकार है, कोई जिसको जिस तरह सोचना है वो सोच सकता है, कोई भी उनको रोक नहीं सकता। ये इनका जो परमहंस मंडली थी, ये इनका एक तरफ से देखोगे तो ये इनके बिलीव्स थे, ये चीज़ों को मानते थे। ये कहते थे कि कास्ट रूल्स जो है ये सब हम तोड़ेंगे, हम कास्ट रूल्स पे बिलीफ नहीं रखते अपना। यानी कास्ट रूल जो है, जैसे कि कास्ट कहती है कि इसके हाथ का खाना नहीं खाना, इसको घर में नहीं आने देना, ये सब हम नहीं मानते भाई। हम तो सब कुछ करते हैं, हम एक इक्वालिटी मानते हैं सोसाइटी में। ऐसे परमहंस मंडली मानती थी। परमहंस मंडली यानी ग्रुप होता है, मंडली का मीन्स होता है ग्रुप। मंडली मराठी में मंडली कहते हैं, तो मंडली यानी ग्रुप। तो परमहंस मंडली थी ये जो महाराष्ट्र में काम कर रही थी। उसके साथ साथ उन्होंने विडोरी मैरिज के लिए भी काम किए, विडोरी मैरिज और वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी इन्होंने काम किए, जो परमहंस मंडली थी उन्होंने। अब जैसे मैंने बोला कि कास्ट रूल्स को ये ब्रेक करते थे, तो कास्ट रूल्स को ब्रेक करने के लिए ये क्या करते थे, तो अपनी जो इनकी जो भी मीटिंग्स होती थी इन मंडली की, इन ग्रुप की, वहाँ पे ये जो खाना है ये लोअर कास्ट के लोगों को पकाने कहते थे, उनसे वो पकाते थे उस खाने को, और ये सभी मेंबर्स खाते थे। ये एक एग्जाम्पल सेट करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसके हाथ का खाना नहीं खाना, उसके हाथ का खाना नहीं खाना, सब कुछ चलता है। इससे कोई आप का जो रिलीजन है या आपके जो भी है ये कोई खराब नहीं होता, आप कोई अपवित्र नहीं होते हो। सो ये सब चीजें उन्होंने ब्रेक की थी। तो यही था कि कास्ट रूल्स जो है इसको ब्रेक करना, इस तरह से ब्रेक करते थे ये परमहंस मंडली वाले।
ओके सो ये है परमहंस मंडली। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है ये काफ़ी पॉपुलर एक सोशल रिफॉर्मर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। वुमेन एजुकेशन का जहाँ नाम आता है वहाँ ज्योतिबा फुले का नाम नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके सो यहाँ ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने वो और उनका एक सत्यशोधक समाज, इसको हम स्टडी करने वाले। कभी कभी याद रखिएगा एग्जाम में पूछते हैं कि एक ये देते हैं ऑप्शन एक तरफ मैच द फॉलोइंग में, वहाँ पे समाज के नाम लिखे जाते हैं और एक तरफ लीडर्स के नाम लिखे जाते हैं, फाउंडर्स के नाम लिखे जाते हैं तो आपको, या रिफॉर्मर्स के नाम लिखे जाते हैं तो आपको वहाँ पे मैच करना होता है एग्जाम में, इसलिए ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। इनका जो जन्म था ये सातारा में हुआ था, सातारा ये महाराष्ट्र में है। उसके साथ साथ जो माली है वो कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे, माली यानी गार्डनर होते हैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इन्होंने अपर कास्ट जो डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट अपनी मूवमेंट चलाई थी। ओके सो अपर कास्ट जो थे वो जिस तरह से डोमिनेट करते थे पूरे सिस्टम को, यानी वो जिस तरह से कहेंगे उसी तरह से चलेगा, और एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था लोअर कास्ट को उस टाइम पे, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई थी जिनका नाम है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1873 में फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक यानी ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी भी कहा जाता है इसको। ये इसके लीडर बनते हैं इस समाज के, और ये जो थे ज्योतिबा फुले उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ लीडरशिप भी दी थी, अलग अलग समाज से जो आए थे, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस से जो आए थे, फॉर एग्जाम्पल मालीज, तेली हो गए, कुनबी हो गए, सारीज हो गए, धनगर हो गए, ये सब महाराष्ट्र में रहने वाली कास्ट है। सो ये कास्ट से यहाँ पे सत्यशोधक समाज में लोग आते थे और इन्हीं के थ्रू इसको चलाया जाता था। तो ये सब इन्होंने इस तरह की एक मूवमेंट चलाई थी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका एम क्या था, इनके मूवमेंट जो इन्होंने एम शुरू किया था, एम ये था कि सोशल सर्विस देना सबसे पहले लोगों को, दूसरा है कि एजुकेशन स्प्रेड करना वुमेन और लोअर कास्ट पीपल के बीच में, एजुकेशन जो है ये सभी को मिलना चाहिए, इस तरह से इन्होंने प्रयास किए थे। अब इनके जो प्रयास थे ये कम नहीं थे वुमेन एजुकेशन को लेके, ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनको वुमेन एजुकेशन को लेके। जो फूले थे उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी इस तरह के दो बुक लिखी है जिसमें इन्होंने ये सब चीज़ें बताई है, जिससे इन्होंने जो ये इंस्पिरेशन बनी कॉमन मासेस के लिए, उन्होंने सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से इन किताबों में लिखी है। सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी वॉज रिटन बाय ज्योतिबा फुले। उसके साथ साथ फुले ये चाहते थे कि कास्ट सिस्टम जो है पूरी तरह ही खत्म हो जाना चाहिए, यानी इस देश में, इस पूरे सोसाइटी में कास्ट ही रहना नहीं चाहिए। एक भी कास्ट नहीं रहेगी तो कहाँ से आएगा यहाँ पे डिफरेंसेस कास्ट में, है ना? तो ये सही सोचते थे एक तरह से, तो कास्ट सिस्टम नहीं रहना चाहिए इन्होंने कहा था। और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है ये भी नहीं रहनी चाहिए, यानी जैसे कि कोई बहुत अमीर बन गया है तो कोई बहुत गरीब है, कोई लोअर कास्ट है तो कोई बहुत अपर कास्ट है, तो इस तरह की इनइक्वालिटीज खत्म होनी चाहिए इस पूरे समाज में, सोसाइटी में, ऐसा चाहते थे फुले। फुले जो थे ये जेंडर इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, वो उसके साथ साथ ही वॉज अ पायोनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन, है ना? वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत किया विद द हेल्प ऑफ इट्स वाइफ सावित्री बाई जो थी उनकी हेल्प लेके इन्होंने वुमेन स्कूल बनाई थी। आप अगर देखोगे तो ये सावित्री बाई जो थी ये पढ़ी लिखी नहीं थी पहले, इनके जो वाइफ थी इन्होंने खुद उनको शादी के बाद पढ़ाया, और फिर आगे जाके सावित्री बाई फूले ने बाकी वुमेन को पढ़ाया था। सो ये खुद ही अपने जो वाइफ थे उसके खुद ही एक तरह से देखेंगे तो गुरु थे, खुद ही पढ़ाए उनको, और उनके वाइफ ने आगे और भी लड़कियों को पढ़ाया। इनका बहुत अपोज हुआ सोसाइटी में, इनका और इनके वाइफ का बहुत अपोज किया गया, क्योंकि उस वक्त लड़कियों का पढ़ना ये सोसाइटी को एक्सेप्टेड नहीं था। सो इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया था। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्होंने पूना में गर्ल्स की स्कूल भी ओपन की थी। सो यहाँ अगर आप देखोगे तो पूना में, उसके साथ साथ इन्होंने विडो रीमैरिज को भी चलाया था मुंबई में, महाराष्ट्र में। और इन्होंने विडो के लिए होम भी ओपन किए थे, सो 1854 में, जहाँ पे विडोज को रखा जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको एजुकेशन दिया जाएगा। इस तरह से इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। फूले को महात्मा ये जो टाइटल है ये दिया गया था, उन्होंने जो भी रिफॉर्म वर्क किए थे इनको, महात्मा ज्योतिबा फुले, इसको इनको तब से महात्मा ज्योतिबा फुले कहा गया। और ये जो थे महात्मा कहलाने के लायक थे, ये लोग जो थे ये बहुत ही इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। महात्मा का मीनिंग होता है महान आत्मा, तो ये जो भी लोग होते हैं जो बहुत ही
बड़ा काम करते हैं सोसाइटी के लिए उनको ये उपाधि दी जाती है जो कि महात्मा की, और महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। सो इस तरह से जो अगले यहाँ पे पिक्चर है जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये है महात्मा ज्योतिबा फुले। सो फिर से एक बार, ये है आत्माराम पांडुरंग, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये है बाल शास्त्री जांबेकर, ये है महात्मा फुले, और जो 500 के टिकट पे मैंने आपको दिखाए थे वो थे हेनरी विवियन डेरेजियो। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। सो आगे जो हम बढ़ने वाले हैं इनके बाद जो हम जिनको स्टडी करेंगे वो है गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी भी कहा जाता है। सो 1823 से 1892 तक ये रहे। ही वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर एंड रैशनलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र से थे। गोपाल हरि देशमुख जिनको लोकहितवादी कहा जाता, वो जो गोपाल हरि, ये अगर आप देखोगे तो ये जज थे, ब्रिटिश जब गवर्नमेंट थी तो उनके अंडर ये जज थे। जज रह के भी इन्होंने सोशल वर्क किए। वो वीकली एक चलता था साप्ताहिक जिसका नाम था प्रभाकर। प्रभाकर में वो लिखा करते थे, प्रभाकर में खुद लिखते थे और लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते थे, रिफॉर्म करना चाहते थे, सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे। और वो जिस नाम से लिखते थे वो लोकहितवादी नाम से, खुद के जितने भी सोशल रिफॉर्म के इश्यूज है अपने लिखते थे जो उसमें, वो लोकहितवादी नाम से लिखते थे, इसलिए उनको लोकहितवादी भी कहा जाता है। ही अटैक्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी के लिए बहुत काम किए। यहाँ पे अगर देखोगे तो सामाजिक, समाज में एक तरह से समानता होनी चाहिए और रिलीजन जो है वो सब एक होने चाहिए, इसके लिए जो लोकहितवादी थे इन्होंने काफ़ी काम किए। उन्होंने जो एविल से कास्ट सिस्टम के, उसके लिए भी बहुत काम किए हैं, है ना। तो कास्ट सिस्टम जो है वो भी वो ख़त्म करना चाहते थे, उसकी बुराइयाँ ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट कहा है, इफ़ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन, है ना। अगर रिलीजन आपको बदलाव नहीं लाने दे रहा है सोसाइटी में तो धर्म ही बदल दो अपना। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत ही अच्छी खूबसूरत यहाँ पे लाइंस कही है गोपाल हरि देशमुख ने, जो कि लोकहितवादी नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने हितेचु करके एक वीकली लिखा था और उन्होंने पीरियडिकल्स भी लिखे थे जिनका नाम है ज्ञान प्रकाश, इंदू प्रकाश और लोकहितवादी। इस तरह से वो पीरियडिकल्स भी लिखा करते थे और वो हितेचु नाम की, हितेचु है ना, तो हितेचु नाम की उन्होंने यहाँ पे वीकली भी लिखी थी। सो इस तरह से इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। मुझे इनकी बहुत क्लियर कोई पिक्चर नहीं मिली इसलिए मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाया। तो फिर जितने भी है अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था गोपाल देशमुख लोकहितवादी का कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन सोसाइटी में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो लेक्चर का आखिरी टॉपिक होगा, जिनका नाम है गोपाल गणेश आगरकर, 1856 से 1895 तक ये रहे। सो ये एजुकेशनिस्ट थे, इन्होंने एजुकेशन लाया था इस महाराष्ट्र में और उन्होंने, वो सोशल रिफॉर्मर भी बने महाराष्ट्र के, इस देश के ये सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे। ओके, सो ये सब चीज़ें उनमें थी गोपाल गणेश आगरकर में। उसके साथ साथ उन्होंने जो न्यू इंग्लिश स्कूल बनाई गई थी, आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में न्यू इंग्लिश स्कूल के फाउंडर कौन थे, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी, उसके साथ साथ इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी ये भी इन्होंने बनाई थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जो कि पुणे में, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अब ये को फाउंडर थे तो इनके साथ के फाउंडर का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। आपको भी कुछ चीज़ें करनी है, मैं हर चीज़ आपको अगर दूंगा सो आपकी भी कुछ मेहनत होनी चाहिए तभी आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। वो प्रिंसिपल भी रहे फर्ग्यूसन कॉलेज के। फर्ग्यूसन कॉलेज एक बहुत ही फेमस कॉलेज है पुणे का, उसमें अगर आप देखोगे तो ये प्रिंसिपल भी रहे हैं। ये है गोपाल गणेश आगरकर, ये प्रिंसिपल भी रहे उस कॉलेज के। वो जो केसरी है, केसरी एक न्यूज़पेपर था जो तिलक ने शुरू किया था, लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, और उसके ये एडिटर रहे हैं, उसके संपादक रहे हैं, उसके ये एडिटर रहे हैं, पहले एडिटर। उसके साथ इन्होंने खुद का फिर पीरियडिकल शुरू किया था जिसका नाम था सुधारक। सुधारक जो था उन्होंने अगेंस्ट अनटचेबिलिटी शुरू किया था। देश में अनटचेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू था। अनटचेबिलिटी क्या है ये मेरे पॉलिटी के वीडियो जिन्होंने देखे उनको अच्छे से पता है कि अनटचेबिलिटी क्या होती है। सो आपको अगर वो जानना है तो पॉलिटी के लेक्चर मेरे देखते रहिए, आपको भी समझ जाएगा। और ये दिया है फंडामेंटल राइट में, जो लोगों ने लेक्चर्स देखे वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो है वो कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे
लिखनी है कमेंट सेक्शन में। सो पीरियोडिकल जो है उन्होंने शुरू किया था, पीरियोडिकल यानी मैगजीन होती है ना उस तरह का, उसको पीरियोडिकल कहा जाता है। तो अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और अगेंस्ट कास्ट सिस्टम में चलाया गया था एक पीरियोडिकल, जो कि चलाया था गोपाल कृष्ण आगरकर ने। सो इस तरह से अभी हम जितने टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं वो है प्रार्थना समाज, हमारा कवर हो चुका है, हेनरी विवियन डेरोजियो हमने कवर किया, एंड यंग बेंगाल मूवमेंट। जैसा मैं ये बोलूंगा तो आपको पॉज करना है वीडियो, जैसा मैंने प्रार्थना समाज बोला आपने पॉज करना है वीडियो और सोचना है कि उसमें हम क्या क्या पढ़े। हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बेंगाल मूवमेंट हमने पढ़ा, फिर से पॉज करना और सोचना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमने स्टडी किया, बाल शास्त्री जांबेकर हमने स्टडी किया, हमने परमहंस मंडली यहाँ पे स्टडी किया, हमने ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज भी स्टडी किया, हमने गोपाल हरि देशमुख स्टडी किए, हमने गोपाल गणेश आगरकर को भी स्टडी किया। इस तरह से हमारा ये जो सेकेंड पार्ट था सोशल रिफॉर्मर्स, इनको हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जितने भी नए नए वीडियोज आते रहेंगे वो मैं हमेशा उसके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे और मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिले मेरे नए वीडियोज बनाने के लिए। देखिए, आप जितना लाइक करते हैं, जितना मेरे वीडियोज को शेयर करते हैं, जितना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उतना मुझे और इच्छा होती है कि मैं नए वीडियोज बनाओ। सो आप ये चीज करते रहे, मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा। आप मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक पे, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं श्रेयस बढ़िया@gmail.com पे। सो ये दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया एंड सोशल रिफॉर्मर्स, एंड अगला जो पार्ट है उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टडी हार्ड and work smart.